अच्छा, इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 में कहाँ तक स्टडी किया था? बताया था मैंने पढ़ी पब्लिक रिकॉर्ड्स। ओके अच्छा, इसमें क्रिप्टोग्राफी का एक टॉपिक जो इसमें आ रहा है वो यहाँ पर पब्लिक क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, टॉपिक जो है वो यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, कैसे काम करते हैं, इंक्रिप्शन किस तरह से होती है, क्या कुछ होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको, एक एल्गोरिथम है आरएसए का, आपने उन्होंने पढ़ा है आरएसए एल्गोरिथम? जी, आपने आरएसए किसी ने पढ़ा है, स्टडी किया है? एनीवन? चलिए मैं उसको ओपन करता हूँ आरएसए। आरएसए एल्गोरिथम को मैंने बहुत ज्यादा आसान करके जो उसको बना दिया, ये कैसे काम करता है, क्या कुछ होता है, मुझे जाना है यहाँ। क्रिप्टोग्राफी का थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे दूंगा। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। ये है क्या, आरएसए एल्गोरिथम जो है वो काम कैसे करता है, क्या होता है, डॉक्यूमेंट और इसके कंप्लीट वीडियो सही मैं आपको बात करने को दे दूंगा। इसके अंदर मॉड्यूलर अरिथमेटिक को हम यूज करते हैं, मैं समझा देता हूँ ये काम कैसे करता है। इसमें आप दो नंबर, दो प्राइम नंबर आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपके पास 17 एक लिए, हमने 11 ले लिया। अच्छा, एन जो है हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद रिजल्ट होता है, यानी 17 × 11 = 87। अच्छा, इसमें से क्या करते हैं, पी में से एक निकाल देते हैं, क्यू में से एक निकाल देते हैं। पी में से एक माइनस कर दिया, क्यू में से एक माइनस कर दिया, तो जवाब आया 16, इसका आया 10, यानी 160। अब आपके पास होता क्या है कि आपको कहते हैं लोएस्ट कॉमन डिविजर 5, e = 1, यानी कि आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0, e और 5 के दरमियान होनी चाहिए। तो आप जो है जो वैल्यूज ले रहे होते हैं उस वैल्यूज को जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यूज कैलकुलेट कर लेने के बाद
आपको क्या निकालना होता है, आपको वैल्यू ई की फाइंड करनी पड़ती है, आपको वैल्यू ई की फाइंड करनी पड़ती है। जब आप ई की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो उसका प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करते हैं हम रूट्स के थ्रू फाइंड करते हैं कि रूट के थ्रू वैल्यू आ क्या रही है। सही है, रूट के थ्रू फाइंड करते हैं। ये पूरा मैंने प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, पूरा उसको बताया हुआ है। एक और क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम मैं समझा देता हूँ आपको, कि मैं सब चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं वीडियो, जिसमें एक एक स्टेप बकायदा, इसको मैंने स्टाइलस ले लिया है तो टैबलेट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा होता है, किस तरह से काम कर रहा होता है। एक चीज है हमारे पास, एक और बुक है, हाँ ये मेरा ही बनाया हुआ असाइनमेंट है, हाँ ये मेरा ही असाइनमेंट है, ये आपको बिल्कुल भी क्लियर बता देगा ये क्या है। अच्छा, पेपर के अंदर ऐसा डेफिनेशन पूछा जा सकता है, मगर ऐसा सवाल नहीं, क्वेश्चन के जरिए नहीं हम पूछ सकते इसको। ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है रिवर्स एशमेर एंड लेडलमैन, तो ये आरएसए इन तीनों के नाम से बना है, मिलके बना है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, तो भी कैन की जनरेट करते हैं आप, लेकिन यहाँ मैंने सॉल्व किया है, ये 3 है और ये 11 है, दो प्राइम नंबर ले लिए, आया इसका 33 इसके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आया, पाई निकाला आपने तो 3 में से एक निकाला 2, 11 में से एक निकाला 10, यानी 20। अब आप जो है वो 20 को कहते हैं क्वोशेंट, दिस इज फंक्शन पाई ऑफ एन, देयर आर 20 रिलेटिव प्राइम्स टू 2, 33। अच्छा, 33 पहुंचने के लिए 20 प्राइम होंगे हमारे पास, 20 प्राइम्स होंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर 1 से लेकर 33 तक जाएं आप तो आपके पास कितने 20 रिलेटिव प्राइम्स होंगे। चूज द प्राइम नंबर डी, सच दैट के इज इक्वल प्राइम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय डी, वी हैव सेवन चॉइसेस 7, 11, 13, 17 एंड 19। सही है, तो वी कैन नॉट यूज 5 बिकॉज 20 इज डिविजिबल बाय 5, लेट्स पिक 7। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए, अब आपने क्या किया, जो 20 है, 20 से जो छोटे आपके पास प्राइम नंबर है वो सारे आप ले लिए, तो 20 से छोटे क्या है, 7, 11, 13, 17 एंड 19। हमने सबसे छोटा जो है वो प्राइम नंबर लिया, जिसको 7 हमने कहा, 5 हम ले नहीं सकते, 5 लेंगे तो डिवाइड जाएगा 20 से। फिर हमने क्या किया, सो वी पिक डी इज इक्वल टू 7, वाई, बिकॉज 1 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन 7 एंड 20। 7 और 20 का अगर कंबाइन एलसीएम ले, मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा, उसके अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है, आपका नाम या यूनिवर्सिटी का नाम कन्वर्ट करके दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा होता है। उसके बाद सर्वर पब्लिक की ग्राफी, n इज इक्वल टू 33, d इज इक्वल टू 7, d जो है हमेशा छोटा होगा n से। सही है, एक्सटेंड एक्यूरेटी इन एक्विलिब्रियम वी व्हिच इज e डॉट d इज इक्वल टू 1 mod pi ऑफ n, इन आवर केस d इज इक्वल टू 7 एंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, e और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, mod pi ऑफ n, इन आवर केस d 7 है, e हमें पता ही नहीं, हमें पता है d पता है, 1 पता है, mod pi ऑफ n 20 है हमारे पास, हमें e पता नहीं। हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 7, जो कि d की वैल्यू थी, e इज इक्वल टू 1 mod 20। अब यहाँ पे अभी देखिए कि हमने, अब हम लैग कर रहे हैं, अभी क्रैकिंग भी, अगर हम RSA को तोड़ना चाहें, क्रैक करना चाहें, हैक करना चाहें, तो यही स्टेप के थ्रू ये होता है। तो आपने पहले नंबर लिया 1, सही है, तो 1 mod 20, तो 7 को आप जो डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो जवाब आएगा पॉइंट्स में, तो 7 टू 14, 1 mod 20, रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि 14 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो डेसिमल में आंसर आएगा 7 3 21 = 1। जब 21 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, आपको लेके आना है 1, ये है रिमाइंडर, सही है, ये 1 आना चाहिए आपके पास, सही है, तो उसको आप लिख लीजिए कॉपी में, पूछूंगा नहीं मैं, मगर सिर्फ समझाने के लिए डेफिनेशन उसका पूछ लूं। जी बेटा, आप लिखना चाहो तो लिख लो उसको, ठीक है। इसी के थ्रू हम आरएसए को क्रैक भी करते हैं, इसी के थ्रू हम आरएसए को क्रैक भी करते हैं,
और उसमें हम चीजों को लेट करके बताते हैं कि जवाब आएगा क्या। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो मैं चलूं आगे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सी इज इक्वल टू पी और पी मॉडअप है, सिंबल क्या है ई। अब हम जिस चीज को इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं वो है वैल्यू ई, जिस चीज को इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू का नाम है ई। तो सी इज इक्वल टू पी ऑफ ई मॉड ऑफ एन, जिसका फॉर्मूला है तो साइफर इज इक्वल टू पी की पावर ई मॉड ऑफ एन। ओके, तो लोकेशन क्या है, ई की लोकेशन क्या है, आप जरा एबीसीडी में काम करें, ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है और ई क्या है 5 है। तो ई की लोकेशन क्या है आपका 5। ओके, अब आपने क्या किया, 5 की पावर 3 यानी 125, लेकिन ये लिखा है पी पावर ई, 5 पावर 3 125। तो आपका कैलकुलेशन सी इज इक्वल टू पी 125 मॉड ऑफ एन, 125 मॉड ऑफ 33। जब हम इसको डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, जब हम इसको डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, वो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, ये सब चीजों के रिमाइंडर आ रहे हैं, कैलकुलेट द रिजल्ट, डिवाइड बाय 25 33 एंड द डिफरेंस 26। तो जवाब आएगा फिर 26। अच्छा, ये 26 जो है साइफर बन जाता है, और ये 26 जो है साइफर बनने के बाद कहाँ जाएगा, ये साइफर बनने के बाद जाएगा सही डिक्रिप्ट होने के लिए। तो 26 पावर 7 मॉड ऑफ 33, पी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इतनी बड़ी सी वैल्यू आएगी हमारे पास मॉड ऑफ 33, ये आपका रिमाइंडर आएगा 5। 5 क्या था, वही लोकेशन है हमारे पास, हमें ई जो है, ई हमने क्या कर लिया, उसको डी साफ कर लिया, मैसेज हमें 5 मिल गया। सही, इस तरह की चीज़ों को हम कह रहे होते हैं वो आर एस ए के थ्रू हम सॉल्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। आपको पता है आर एस ए का यूजेज कैसा है। ओके, हमारे पास एक और चीज़ है, टेक्नोलॉजी मार्केट प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर कंज्यूमर एन्क्रिप्शन पब्लिक क्रिप्टोग्राफी बिजनेस टूल एंड पॉलिसीज फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा। देखें, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है वो ऐसी होती है जैसे कि आपके पास बैंक मैनेजर के पास आपके जितने भी लॉकर्स हैं उन सारे लॉकर्स की जो चाबी है वो एक ही होती है। अगर आपके पास एक बैंक है, उस बैंक के अंदर लॉकर्स हैं, तो उसके अंदर दो चाबियां रखती हैं, एक जो चाबी लगती है बैली वाली वो लगाता है बैंक मैनेजर, और वो चाबी कॉमन होती है सब तमाम लॉकर्स के लिए, और फिर एक चाबी आपको दे देता है, कहता है ये लिए ले अपनी चाबी आप, और इस चाबी के अंदर क्या करें कि सारे के जो आपने रखना है, जो कुछ करना है वो उसको रखें। तो पब्लिक की क्या हो गया आपके पास, पब्लिक की को बैंक मैनेजर की चाबी होगी, प्राइवेट की क्या होगी, जो कि आपके पास है। सही, मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह दिखा देता हूँ। तो मेरा गला ऐसे ही हो रहा खराब। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप यह देख सकते हैं, लार्ज नंबर की जनरेशन पब्लिक की ना प्राइवेट की, ये दोनों चाबियां फिर लगेंगी आपको, तो फिर वो लॉकर होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है बॉब ने लिखा हेलो एलिस इनक्रिप्ट। सही है, आपने इनक्रिप्ट किया, इसके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या हो गया, एलिस ने कहा आपके पास हेलो एलिस डिक्रिप्ट एलिस प्राइवेट की। तो हमारे पास क्या है, ये पब्लिक की है और ये प्राइवेट की है। पब्लिक की सर्वर्स के लिए तमाम कॉमन होती है, और प्राइवेट की जो है बहुत बहुत डिफरेंट होती है। आपकी पर्सनल जो है, आप आवाज आ रही है आप लोगों को, या इंटरनेट कनेक्शन का मैसेज आ रहा है मुझे? सर आ रही है। आ रही है, हाँ, ये बस कनेक्शन से मसला आ रहा है। मैंने कह दिया वैसे, मैं अब यही करूंगा कि मैं तमाम के तमाम लेक्चर्स जो है वीडियो बना लूंगा, और वीडियो बनाने के बाद आपको पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा, तो उससे मुझे काफी आसानी हो जाएगी। और ये कि आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा मैं उसको एड्रेस भी कर सकूंगा।
अच्छा तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों को? अच्छा इसमें तीन चीजें होती हैं, इसको CIA कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। सही है, तीन चीजें होती हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर। आप उसको देखिए समझने के लिए जो अच्छी चीज है। Cryptography is a method for protecting information and communications through codes. The codes ensure that only the intended receivers can read and process the messages. Crypt means hidden, and graphy means writing. Those that practice it are cryptographers. Modern cryptography has four main standards. One, confidentiality. Only the intended receiver can understand the information. Two, integrity. No one can change the information while it is in storage without the change being detected. Three, non-repudiation. The information creator or sender can never deny their intent in the info's creation and transmission. Four, authentication. The sender and receiver can both confirm each other's identity as well as the origin or destination of the information. अच्छा बेटा, इसमें जो है आपके पास ये वैसे CIA कहलाता है, उन्होंने एक चीज ऐड कर दी, नॉन रिपीटेशन। नॉन रिपीटेशन के माने ये होते हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन है जो गई है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप ये कहते हैं कि ये मैंने भेजी नहीं है या मुझे पता नहीं है, आप उसको समझ लीजिए उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो नॉन रिपीटेशन कहलाता है वो। नॉन रिपीटेशन के माने ये होते हैं कि आपने मैसेज किया, एक ईमेल की, और वो ईमेल उन साहब को मिल गई और उसने कहा यार आपने क्या ईमेल कर दी मुझे, और वो ईमेल आपने की क्या है उसको, आपने कहा मैंने तो ईमेल कोई की ही नहीं। सही है, हालांकि आपने ईमेल की थी, तो इस चीज को हम नॉन रिपीटेशन कह रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी नॉन रिपीटेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के माने क्या है, ये उसी बंदे के पास, ऑथेंटिकेट पर्सन के पास जिसको आपको भेजना है उसी के पास मिले, वही ऑथेंटिकेट वही समझे। सही है, और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी इसको मतलब आपको इतना सिस्टम पे बिलीव हो, इतनी चीजें इसमें सिक्योर हो कि कोई और इन्फॉर्मेशन उसको रीड और राइट या फिर अंडरस्टैंड ना कर सके। इंटेग्रिटी के माने जो आपने चीज भेजी है वही चीज रिसीवर को मिले, आपने ए भेजा है तो ए मिले, बी भेजा है तो बी मिले। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोग्राफी है, इसके अंदर हिस्टोग्राफी के अंदर ये काफी चीजें मौजूद होती हैं, मगर मैं चाहूंगा सबसे छोटी सी, ये भी क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक है मगर बेसिक टेक्निक है। In this video, I'll go over hiding data with steganography. Steganography is the hiding of data inside of other data. Steganalysis, then, is the study of steganography. With steganography, a third party would know, for example, that a data exchange is taking place between communicating parties. But what the third party wouldn't know is that there are secret messages embedded within that communication. Encryption is different because with encryption we know that there's a secret message there. We just can't decrypt it if we don't have the correct decryption key. On a computer, specialized software is required to hide and then to reveal secret messages embedded in other data. There are also tools that can be used to detect abnormalities in files due to steganography, and these tools would be used by forensic technical experts. Steganography has been around for a long time, and it has many different implementations.
For example, we could hide the encrypted file in by opening a JPEG file. After I've opened the JPEG file, the next thing I would do is set a passphrase on the file. So I'll click the passphrase menu option. I will enter a passphrase, and that'll enter it a second time to confirm it. Then I'll click OK. Now what I need to do is embed a secret message or document within my JPEG image. To do that, I'll go to the Hide menu, where I'll select a text document that I've created called secretmessage.txt. I want to embed that within the JPEG image. Then what I'll do is I'll save the JPEG. Now a message pops up that says that it made a big change to the file and it might be detected, but nonetheless, I'll click OK. It's been done. Now, to the casual user, if they were to open up that JPEG image, it would look just like a picture, when in fact, it contains an embedded file. On the other end of our connection, the other party would have the same software, and they would choose to open the JPEG, then they would enter the passphrase, and then what they would do is seek the data within the picture. For example, I'll choose Open JPEG, and I'll choose Seek. At this point, it asks for the passphrase. So this would happen on the other end of the communication. So I'll enter the correct passphrase and click OK. At which point it says, save the hidden file as, and then I could extract the file and read the contents of the message. In this video, we learned about steganography. Okay, beta, aapne yahan pe dekha, toh aaj aap professional life kahin na kahin spend kar rahe honge, aur aapko message ko hidden karna hai, chupana hai, ya aapko usko WhatsApp pe bhejna hai, toh WhatsApp pe bhi aap aise kar sakte hain, aapko main software ka naam maine aapko bataya, ये सॉफ्टवेयर कौन सी थी अगर आप लिखना चाहें सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हैं तो सॉफ्टवेयर का नाम है GPHS फॉर विंडोज सही है GPHS फॉर विंडोज ये सॉफ्टवेयर का नाम है इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपने एक मैसेज लिखा और मैसेज लिखने के बाद आपने इसको क्या कर दिया इसकी फाइल को जो है इमेज फाइल के अंदर जो है ऐड करवा दिया फिर हुआ क्या कि आपके पास यही फाइल जो है आपने व्हाट्सएप पर भेज दी ये फाइल व्हाट्सएप भेजने के बाद आपने इसको डाउनलोड किया डाउनलोड करने के बाद आपने मुझे मैसेज है वो मैसेज सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं वो कैसे पढ़ेंगे मैसेज कि वो बंदे ने आपको बताया कि इसका पासवर्ड क्या है पासवर्ड क्या है वो पासवर्ड जैसे ही आपने वो पासवर्ड लिखा आप डॉक्यूमेंट आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से जो है ये काम हो रहा होता है और ये चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी के अंदर तो मैंने PHS मैंने आपको बता चुका हूँ ये PHS जो है हमारे पास मौजूद है तो इसके अंदर होता क्या है कि आप उसको किसी चीज़ को आप इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं और इनक्रिप्ट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है यूज़र को भेज रहे होते हैं बिजनेस यूज में पॉलिसी फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा ये बहुत ज़रूरी होता है अच्छा एक और चीज़ होती है इसके अंदर उसको कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ उसका नाम है रेल फेंस साइफर है मेरी वीडियोस में भी मैं वीडियोस अगर होंगी तो मेरा तो बहुत ही अच्छा समय बनाया है मैंने देख लेता हूँ जी रेफरेंस व्यूअर्स इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट ट्रांसपोजिशन टेक्निक अच्छा ये आपके पास जो है ट्रांसपोजिशन टेक्निक के अंदर हम उसको अप्लाई करते हैं ये सब्जेक्ट में पढ़ाता भी ऑलरेडी इसमें होता क्या है लिखा मीट मी इन द क्लास तो ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना होता है इसको अप एंड डाउन जो है डायगनली जो अरेंज करना होता है इसको कहते हैं रियल फ्रेंड साइफर अभी आप इसको देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपने कोई मैसेज भेजना है कोई चीज़ें भेजनी है तो दो टेक्निक्स हैं तो मैंने आपको बता दी है अच्छा तीसरी टेक्निक जो है वो माफिया यूज होती करती क्रिमिनल्स यूज करते हैं Transposition technique is that technique in which the location of the symbol of the plain text is converted to form a cipher text. Now, transposition techniques occurs by two methods. The first method is RailFence cipher, and the other method I will be talking about in my next video. I will be sharing a link below. In the description section to take you to the next video.
suppose this S is not in this text, then we need to add. अच्छा बेटा मैं ये बता देता हूँ ये लिखते कैसे हैं इसको, अभी कहानी ज्यादा सुना रहा है बंदा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है M, आपने M लिखा, E आपने नीचे लिखा, ये E आपने ऊपर लिखा, T आपने यहाँ पे लिखा, फिर आप स्पेस जो इसमें काउंट नहीं होते, फिर आपने M आपने यहाँ लिखा, E आपने यहाँ पे लिखा, I आपने यहाँ लिखा, N आपने, ये देखिए डायगनल है, ये देखिए डायगनल है सारे, लिखा आपने, ये सब डायगनल है। इसमें उसके बाद पाँच फाइव फाइव के चंक्स बनाएंगे, तो ये आ गया एम ई एम आई और टी, तो इसका एक चंग बना दिया, ई एल एस ई टी दूसरा चंग बना दिया, ई एन एस सी ए एस। अच्छा अगर हम अगर चार चंग बन जाए तो आखिरी जो फिलर होता है, आखिरी क्या होता है फिलर होता है, फिलर हम उसको कहते हैं, उसका नाम है फिलर। अभी लिखा हुआ दिखा दे, हाँ ये लिखा हुआ ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास एम E M I, देखिए M E M I, उसके बाद लिखा T, अब ये आपके पास M E M I T, अब यहाँ पर पांच पांच के चंक्स आपने बनाने ही बनाने हैं हर हाल में। इसने थोड़ा गलत बताया, क्योंकि मैंने जो है ये पूरी बुक जो है मैं पढ़ाता हूँ क्रिप्टोग्राफी की, अगर आप पांच पांच के चंक्स नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा ये। एक दो तीन चार पाँच का एक चंक एक पैकेट, एक दो तीन चार पाँच दूसरा पैकेट, एक दो तीन चार पाँच तीसरा पैकेट, चौथा जो है वो खाली है। खाली का मतलब ये एस है, एस के बाद सारे फिलर्स लगा दीजिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा एक मैं आपको जो माफिया जिस पे काम करती है उसका दिखा देता हूँ मैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिखा हुआ दिखाई दे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो ओपन कर लूंगा। मैं ओपन करता हूँ, 10 मिनट रह गए हैं, एक चीज कौन एयर चेयर ब्रेक एक मिनट मैं थोड़ा से सब माफिया की वीडियो है तो जाहिर सी बात है।
खैर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके अंदर दिखा दूंगा। आपके पास होता है कि कौन एयर मूवी के अंदर ये होता है, आपके पास उसके अंदर एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक जिसको कहते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन को यूज करते हैं, और उसके बाद जो है वो आपके पास नहीं टर्निंग ग्रिल मेथड को यूज करते हैं माफिया के लोग, और वो चीजें मैसेज जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। सही है, मैं इसमें देखें लास्ट ट्राई करता हूँ। ये वाला सीन है, यस दिस इज इट, जरा गौर से देखिएगा। That car, key, etc. Meet, etc. Meet arson, meet cars. Where? Carson. Oh God, stay here. Don't touch anything. Hey, what are you doing? Just leave it alone. I told you not to touch anything. इसके अंदर जो मैं बताना चाहता था आपको, इंक्रिप्शन का नाम है जो मैंने कहा माफिया यूज करती है, और उसका नाम है आपके पास ये। ओके, तो ये इसके, ओके, इसके अंदर जो होता क्या है कि आपके पास जितनी आईज हैं, इसको क्या नाम है, टर्निंग गिल मेथड, इसका नाम है टर्निंग गिल मेथड। इसके अंदर जितनी भी आईज हैं वो आईज को ये इसको होल्ड कर देते हैं इस आईज के अंदर, और ये मैसेज जो है, ये मैसेज आप देख सकते हैं, मैसेज आप देख सकते हैं ये मैसेज किस तरह से जो है वो कलेक्ट कर रहा है वो, और कलेक्ट करने के बाद वो लिखता है, लिखने का पता लग जाता है उसको कि लोग जा कहाँ पे रहे हैं। तो ये टेक्निक जो है माफिया यूज करती है, और ये कि आसान टेक्निक है, मुश्किल नहीं है, इसको कहते हैं टर्निंग गिल मेथड। सही, टर्निंग गिल मेथड आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, टर्निंग ग्रिल मेथड हमारे पास ये रहा। जी, अब आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस के थ्रू ही मैसेज जो है डिक्रिप्ट किया जा रहा होता है। मैंने आपको बताया था ये किस तरह से काम होता है। तो ये की जो है बहुत जरूरी होती है समझने के लिए, अगर आपके पास की नहीं है तो आप जो है मैसेज को इनकोड नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा अब हमने क्या किया यहाँ पे, बिजनेस रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर प्रोटेक्शन डेटा। अब हमारे पास क्या, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी क्या है, राइट्स एंड लॉस, कंट्रास्टिंग व्यूज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्यू, यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉस्टली एंड डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ऑफ एरर्स इन डेटाबेस, ईज़ विद व्हिच पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक्स आउट, कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन फॉर देयर ओन लैक ऑफ नॉलेज जजमेंट और इंटरेस्ट। तो इसमें हमारे पास है क्या, राइट्स एंड लॉस, कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट। देखें आपको दो चीज़ें होती हैं, मिसाल के मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, अगर आप किसी में अपनी में काम करते हैं, उनकी फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल का राइट नहीं है आपको, सही, मेडिकल फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी के माने उसको बंद कर सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो आपको दे दी जाती है, सही, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको दी जाती है, मगर ट्रांसपोर्ट आपका राइट नहीं होता। ये दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से आपके पास फैसिलिटी आपको क्या है कि आप टीम ऑफ कर सकते हैं,
मगर आपका राइट नहीं है ये कि आप जो है वो आपने करनी है या इस तरह से करना है। तो फैसिलिटी और राइट में फर्क है। फैसिलिटी के माने जो है कुछ और होते हैं, राइट के माने जो है कुछ और होते हैं। अच्छा, तो दोनों को समझने की जरूरत है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के माने यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉस्टली एंड डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ऑफ एरर्स इन डेटाबेस इज विद व्हिच पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक्स। और उसके बाद क्या है, कंज्यूमर नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर ओन लैक ऑफ नॉलेज जजमेंट और इंटरेस्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्यू क्या है, यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन देखिए ये नहीं जाएगी, ये लीक नहीं होगी। कॉस्टली एंड डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ऑफ एरर्स इन द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट रिजल्ट मत डालें, ये जिसमें एरर हो मत डालें, डेटाबेस के अंदर मसला आएगा। ईज विद विच पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक्स आउट, अच्छा आपके पास यही तमाम चीजें हैं कि ईज विद विच पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक्स आउट, इन्फॉर्मेशन किस तरह से लीक की जा रही है, क्या निकल रही है। कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर ओन लैक ऑफ नॉलेज जजमेंट और इंटरेस्ट। कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए आपने फ्रॉम देयर ओन लैक ऑफ नॉलेज जजमेंट और इंटरेस्ट, सही है, उस चीज की इंफॉर्मेशन को चाहिए ही चाहिए कंज्यूमर को। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास जो कंज्यूमर का जो राइट है वही राइट है। अब इसमें विकीलीक्स है हमारे पास, सही है, विकीलीक्स है। और नंबर टू, स्नोडन जो है वो मौजूद है। स्नोडन एक CIA का एजेंट था, इसका नाम था स्नोडन, सही है। तो इसने भी ये चीजें जो है काफी ज्यादा अमेरिका को मसले में ले आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकीलीक्स। जूलियन असांज, अच्छा ये जूलियन असांज जो है डेफिनेटली इसने क्या किया, जाहिर सी बात है सारी इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे अवेलेबल थी और इसने वो इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक कर दी। और पब्लिक करने का मतलब ये कि दुनिया भर के करप्ट तरीन जो लोग हैं जिनका पैसा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगा हुआ है, वो कंपनीज जो है वो क्या है आउट ऑफ किसी और कंट्री में एग्जिस्ट कर रही होती हैं और वो कंपनीज पूछती नहीं आपका पैसा कहाँ से आया। तो ये चीज जो है जूलियन असांज ने किया हमारे पास, सही है। तो उसने बहुत अच्छा एक काम भी किया। तो इसमें ये है कि एक्टिविस्ट हु फाउंडेड विकीलीक्स 2006, विकीलीक्स केम टू इंटरनेशनल अटेंशन 2010, देन पब्लिश सीरीज ऑफ लीक्स प्रोवाइडेड बाय द US आर्मी इंटेलिजेंस एंड एलिस चेल्सा मैनिंग। These leaks include the Baghdad airstrike, its tamam information jo hai isne